तपस्या वाला धन है ये केवल मात्र सन्यासी को नहीं ये तो सभी को ही एकत्रित करना चाहिए क्योंकि सारे काम मन के आश्रय से ही होते हैं चाहे वो विद्या पढ़ना है चाहे धन कमाना है चाहे ऊंचा चरित्र बनाना है चाहे बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है मन तो सबके सेंटर में है और मन मजबूत होता है मानसिक तप से ही तो जो ज्यादा द्वंद्वो से निकलते हैं और उनको पराजित करते हैं वो ही बड़े काम करते हैं जिनको बहुत नाजुक परिस्थितियों में पाला जाता है वो कभी भी बड़ा काम नहीं करते जिंदगी में जितने भी महापुरुष हुए वो सब संघर्षों से निकले और व्यक्ति थोड़ा सा उसके सामने आते ही, क्या सोच लेता है कि पता नहीं मेरे सामने तो क्या पहाड़ टूटा हुआ है और जब आप बड़े लोगों को देखोगे तो आपके तो चुटकी भर भी नहीं है ये आपके कष्ट क्या कष्ट आपके छोटी छोटी चीजों को कष्ट माने बैठे हैं हम मेरे को इसके साथ रहने के लिए दे दिया है मेरे को उस काम में लगा दिया है मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है उनको लेकर के बोझ मर रहे हैं हम इतने नन्हे नन्हे दुखों को और महापुरुषों के दुखों को देखेंगे तब आप छोटे छोटे दुख से इतने बोझे मर रहे छोटे छोटे राग छोटे छोटे द्वेष, राग ही करना है तो भगवान जी से कर लो बेड़ा पार हो जाए रत्नावली ने यही तो कहा था तुलसीदास से कि आपको प्रीति ही करनी है इतनी ज्यादा तो उसी से कर लो बोल ठीक है कर लेते हैं उसी से कर लेते हैं कालिदास को भी उनकी पत्नी नहीं कहा था विद्यावती ने उन्होंने कहा विद्या का अभ्यास करो वो विद्वान बन गए पंडित बन गए तो हमें राग द्वेशी, द्वेशी करना है तो अपनी से कर लो कि कोई मेरे को मान सम्मान नहीं दे रहा है क्यों दूसरों को दे रही क्यों क्योंकि मेरे अंदर आशयता है तो मैं इसी को नष्ट कर लेता हूं ना जिसके कारण दूसरे को यश मिल रहा है मैं उसी को प्राप्त कर लेता हूं कितना लाभ हो जाएगा देखो एक तो पहले ही यशस्वी था दूसरे ने होड़ करके यशस्वी बना लिया अपने आप को तो दोनों यशस्वी हो गए कितनी अच्छी बात है। और खुद कुछ करे नहीं और दूसरा कर रहा है तो उसका पैर खींचे तो खुद तो आगे बढ़ा नहीं और जो बढ़ रहा था उसको और खींच लिया तो डबल नुकसान हो गया तो ये मन वाली तपस्या सबको करनी चाहिए और छोटी छोटी तपस्याएं करेंगे तब बड़ी तपस्याओं के अवसर जीवन में आएंगे पहले आपसे एक नीम का पत्ता ऐसे तोड़ा नहीं जा रहा है तो आपके हाथ में कोई लोहे का सरिया दे देगा क्या कि इस सरिये को तोड़ दो जब आपसे एक कागज फाड़ा नहीं जा रहा है जब आपसे कपड़ा ऐसे फाड़ा नहीं जा रहा है तो आपको लोहा कौन लाके देगा फोलाद तो पहले छोटी छोटी परीक्षाएं पास की जाती हैं तो फिर बड़ी परीक्षाएं भी सामने आती हैं और छोटी और बड़ी दोनों परीक्षाएं जब पास हो जाती हैं तब व्यक्ति को एक विद्वान एक योग्य व्यक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है एल के जी यूकेजी फर्स्ट सेकेंड पढ़ाई नहीं तो बोले सीधा कभी पीएचडी करने का मौका मिल गया ना तो ऐसी पुस्तक लिखूंगा अरे भाई तो पहले एल के जी यूकेजी पढ़ ले ब्रह्मे मत जी एक क्रम से ही चला जाता है जब तक अक्षर ज्ञान तो है नहीं तू कहां से पीएचडी कर देगा तो हम ऐसे बनाते रहते हैं स्वप्न के पुलाव किसके पुलाव कुछ और शब्द होते है उसके खवाबे पुलाव पुलाव बनाने के चावल है नहीं ख्वाबों में बना लिए खूब बढ़िया उसकी महक ले रहे हैं कि कभी राम की जैसी परिस्थिति आई तो मेरे जीवन में कि जिस दिन राज्य अभिषेक होने वाला था और उस दिन वनवास की घोषणा हो गई देखना मैं राम से भी ज्यादा सुंदर तरीके से जाऊंगा तो पहले पीछे वाला तो कर ले पीछे बाद में वो भी आएगा वो दिन भी आएगा छोटे जो रोजाना के द्वंद्व आते हैं उसको सह नहीं पाते हैं हम जो रोज की छोटी छोटी तपस्याएं हैं, उसमें तो हम विचलित तो हो जाते हैं छोटे छोटे वाले में तो, तो इसलिए हमें उनको वो हमारा धन है रोजाना जुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके दिखता नहीं है आमी। अच्छा भी जुड़ता है और बुरा भी जुड़ता है और अच्छा भी दिखता नहीं है और बुरा भी दिखता नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर संबोधन दिए हैं वो कौशिक कैसे हैं तपोधन कौशिक मुनि शार्दूल तपोधन उत्तराम दिशम उद्देश्य प्रस्थातुम उपचक्र तप ही धन है जिसका ऐसे उस श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा को उद्देश्य करके उसको अपना टारगेट बना करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया तम व्रजन तम मुनिवरम अनु अगात अनुसारिणाम शकटी शतमात्र प्रयाणे ब्रह्मवादी नाम तो कहा तम मुनिवरम ब्रह्मवादी नाम उस मुनिश्रेष्ठ को और उन ब्रह्मवादियों को व्रजन जाते हुए देख करके के अनु अगात अनु नाम उनके पीछे आने वाले जो उनका अनुसरण करने वाले थे अनु अगात उनके पीछे जो आए वो शक्ति शतमात्रम मात्र सो गाड़िया मतलब गाड़ी शत मतलब सो सौ छोटी छोटी गाड़ियां उनके पीछे आई तो इतने रखते कहाँ थे आश्रम इतना बड़ा था क्या कोई गांव बस्ती होगी पास में तो अपने अपने ले आए होंगे जंगल में कहा गांव बस्ती आएगी भाई आ, हो सकता है कोई वनवासियों का रहा होगा जो भी है शक्ति शतमात्र प्रयाणे ब्रह्मवादी नाम सो गाड़िया उनके पीछे पीछे आई मृग पक्षी गणाश्च सिद्धाश्रम निवासि अनुजगमो महात्मान विश्वामित्रम तपोधनम और केवल गाड़ियां और मनुष्य ही नहीं आए बल्कि मृग पक्षी गणाश जैव मृग का मतलब है जंगली पशु केवल मृग का मतलब हिरण ही नहीं है आज तो मृग शब्द हिरण के लिए रूढ़ हो गया प्राचीन ग्रंथों में या दूसरे साहित्य में आप देखेंगे संस्कृत साहित्य में तो मृग शब्द आता है जंगल के सभी पशुओं के लिए तो जो भी वहां जंगल के पशु रहते थे हिरण आदि और पक्षीगणश्च और वैसे ही पक्षीगण मोर आदि रहते होंगे वो सब भी सिद्धाश्रम निवासी ने जो सिद्धाश्रम में रहते थे वो सब उनके साथ साथ आई अनुजगमो उनके पीछे आई महात्मानम अनुजगमो उस महात्मा के पीछे पीछे आई विश्वामित्रम तपोधनम पुनः पुनः वो ही संबोधन करते हैं इनके लिए तपोधनम तो बड़े तपस्वी थे ये निर्वर्तया ततह ततः संघस संघ स पक्षिण ते लंबमाने करे तो फिर एक कोई स्थान विशेष होगा वहां से ततह वहां से सऋषि संघ स पक्षिण निर्वर्तया जो दूसरे ऋषि थे आसपास के रहने वाले ये गांव वाले नहीं है भाई ऋषि कहा इनको तो इसका मतलब शिष्य ही होंगे फिर उनके सिद्धाश्रम में रहने वाले लोग हैं ये क्योंकि ततः इसके बाद एक स्थान विशेष पर जाने के बाद इन्होंने उन सब को निवर्तया मां से वापस लौटा दिया पक्षियों को भी और साथ में जो सो गाड़ियां लेके आ रहे थे उन ऋषियों को भी तो ये एक शिष्टाचार का एक वो है लोक व्यवहार है ये रामायण में भी मिलता है अन्य संस्कृत साहित्य में भी मिलता है जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे पास आता है या अपने ही घर से जाता है तो उसको छोड़ने के लिए संस्कृत साहित्य में तो ऐसा वर्णन है कि जो प्रथम उदक का दर्शन हो जाए वहां तक जाना चाहिए पानी जहां आ जाए तो ऐसे करते थे कि वे जाते समय प्राय गांव के बाहर होते थे जोहड़ तालाब आदि तो वहां तक जाते थे तो जो संस्कृत का साहित्य है उसमें ऐसे आता है प्रथम उदक दर्शन तक उनको छोड़ने के लिए जाना चाहिए लेकिन अब तालाब कुआं बावड़ी कुछ है ही नहीं तो कहाँ तक जाए छोड़ने नहीं नहीं वो अपने हाथ में लोटा लेके जाते हैं पानी का कहा से लाए तालाब तो वो वहां जाके वो टाउन के टायर पे डाल देते हैं तो उदक दर्शन हो गए बोले अब आप जाओ दरवाजे तक जाते हैं कोई तक तक चले चले जाएंगे जाएंगे संत कुटीर ऐसे जाते हैं तो ये भी एक सीमा तक गए तथा उसके बाद स ऋषि रिशी संघ ऋषियों के संग सहित स पक्षिण और वो पक्षी निवर्तया वापस लौटा दिए ते गत्वा दूरम अध्वान और वो किधर चले गए आगे चले गए दूरम लंबमाने लंब माने दिवा करे सूर्य तब तक लंबमान हो गया। माने सूर्य ढल रहा था अस्ताचल की ओर जा रहा था वासम चक्रु मुगणा शोणाकुले समाहिता ते अस्तम गते दिनकरे गे स्नाताशना हुत तो मुनिगणहा शोणाकुले समाहिता चक्रु तो ये जो कुछ दूर जाने के बाद जो ऋषि मंडल हैं इनके सहित विश्वामित्र ने उनको लौटा दिया और शोणाकुल समाहिता शोण नदी है ये शोण भद्र पीछे आया था शायद है ना तो कोई जल है ये तो वहाँ ये एकत्रित हुए क्योंकि ये प्राय जल के पास ही एकत्रित होते हैं वहां स्नान कर सकते हैं और सर्दी होता, हो तो हाथ मुंह धो सकते हैं संध्या उपासना करनी है ना शाम को और वो भी करना है अग्निहोत्र भी ते अस्तम गते दिन करे सूर्य के अस्त होने पर स्नात्वा स्नान किया और हुत हुताशना और इन्होंने अग्निहोत्र आदि किया अपना विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधूरमितौजसः रामोपी सह सौमित्रै मुनिर्तान अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेज विश्वापोधन पप्रछ मुनीषादूल कौतूहल सन्वित भगवन्कोम देश समृद्ध वनशोभित श्रोत भद्रम ते वक्त महर्षि तत्व नोदि राम वाक्य कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य विश्वामित्र को आगे करके निषेदु अमित औजस अमित औज वाले अमित तेजस्वी माने जिनके तेज को नापा नहीं जा सकता है ऐसे अमित औजस अमित तेज वाले विश्वामित्रम पुरस्कृत्य उस विश्वामित्र को आगे करके तो बड़ों को आगे बिठाया जाता है रामो अपी सह सौमित्री और फिर राम भी अपने भाई लक्ष्मण सहित सौमित्र सहित मुनि मुनिस्तान अभिपूज्य उन सब ऋषियों की पूजा करके उन सब को प्रणाम करके अग्रत निशाद निससाद उनके आगे बैठ गई विश्वामित्रीमत विश्वामित्र जी के आगे बैठ गई जैसे एक साइड में सब ऋषि बैठे हैं तो उन ऋषियों में आगे विश्वामित्र जी को बिठाया है जैसे आपने यहां अपनी कक्षा में आगे सन्यासियों को बिठाया है तो ऐसे उन्होंने अपने आगे ऋषि को बिठाया पीछे दूसरे वो बैठे थे उनकी शिष्य गणादी और श्री राम ने उन सब को प्रणाम किया फिर राम उनके सामने बैठ गई जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ ऐसे वो उनके सामने बैठ गई तो इसलिए कहा अथ है विश्वामित्र अग्रतः निसाद उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई विश्वामित्र जी के सामने अथ राम महातेज और ऐसे बैठने के बाद फिर बातचीत करनी है ना तो इसलिए आमने सामने बैठे अथ रामो महाज विश्वामित्रम तपोधनम उस महातेजस्वी श्री राम ने तप ही धन है जिनका ऐसे विश्वामित्र ऋषि से पप्रच्छ पूछा मुनि शार्दुल कौतूहल समन्वितम कौतूहल से युक्त होकर के उस मुनि श्रेष्ठ से इस प्रकार पूछा भगवान कोनु अयम देश समृद्ध वन शोभित श्रोतुम इच्छा ते भद्रम ते वक्त हे भगवान जो देश दिखाई दे रहा था उसके बारे में पूछा भगवान अनुदेश है समृद्ध वन शोभित समृद्ध वनों से शोभित पेड़ पौधे दिख रहे होंगे समृद्ध वन से शोभित कोनु अयम देश ये कौन सा देश है ये कौन सा स्थान है जहाँ इतने हरे भरे वृक्ष खड़े हैं इतना समृद्ध है ये वंशतुम इच्छा में मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ भद्रम ते वक्तुम अर्सी तत्वतः तो आप ही मुझे इसके बारे में तत्वतः वक्तुम अरहसी, ठीक ठीक आप ही बता सकते हैं आपके अंदर ही वो योग्यता है जो इसके बारे में आप मुझे तत्वतः वक्तुम अर्सी बता सकते हैं नदित रामवाक्येन कथया मांस सुव्रतह तस्य देशस्य निखिलम ऋषि मध्ये महातपाह तो इसके बाद जब उन्होंने इस तरह से प्रश्न पूछा तो महातपाह महान तपस्वी रामवाक्येन नदितह राम के वाक्य को सुनकर के या नोद प्रेरणे राम के वाक्य से प्रेरणा लेकर के प्रेरणा क्या है कोई प्रश्न पूछते हैं तो गुरु जी को बताने के लिए प्रेरणा मिलती है ना तो इसलिए यहाँ पर गुरु को प्रेरित किया राम के वाक्य से प्रेरित होकर प्रेरणे सुव्रत महात अच्छे व्रतों का पालन करने वाले महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र राम वाक्यन नोदित राम के वाक्य से प्रेरित होकर के तस्य निखिलम उस देश का निखिल मान संपूर्ण संपूर्ण वृत्तांत ऋषि कथया मास प्रारंभ किया कहना कथया मास कोई चर्चा चलानी ही थी ना जब बैठे हैं तो वहां पे सोन नदी के तीर पे पहले किया फिर यज्ञ किया ध्यान कर लिया तो अब कुछ चर्चा होनी चाहिए फिर धर्मोपदेश होना चाहिए तो उन्होंने ही पूछ लिया श्री राम ने ही पूछ लिया कि ये कौन सा देश है तो अब इनको एक प्रेरणा मिल गई उसके बारे में पूरा इतिहास सुनाने की तो वो अगले सर्ग में सुना रहे हैं तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कुश के चार पुत्रों का वर्णन है और शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताया और कुशनाभ की सौ कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना ये इस सर्ग में बताया तो इसको पढ़ जाते हैं एक बार है नो महानासीत कुशो नामा महात अक्लिष्ट व्रत धर्म जज्जन प्रतिपूजक स महात्मा कुम युक्ता सुमहाबलान वैधर्भ्याम स चतुर सदृशांसुतान ब्रह्मयोनि महान आसित कुशो नाम महातपा कुश नाम का एक महातपस्वी राजा आसित था जो ब्रह्मयोनि ब्रह्म ही कारण है जिसका तो जो पुराण है उनमें तो सब में ब्रह्म से ही सृष्टि हुई है सारी सभी में लगभग लगभग एक ही वर्णन आता है तो यहाँ ये जो ब्रह्म से पैदा हुए ऐसे महातपस्वी कुश नाम के राजा थे लवकुश वाले नहीं है ये ये दूसरे कुश हैं क्योंकि लवकुश तो अभी तो राम की शादी नहीं हुई तो ये किसी दूसरे की कहानी सुना रहे हैं तो ये ब्रह्म से ही पैदा हुई थी ब्रह्म योनी महानासित कुश नाम है महातपहा अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ तो वो जो धर्म को जानने वाले कुश नाम के जो राजा थे वो अक्लिष्ट व्रत देखो कितना सुंदर शब्द है क्लिष्ट व्रत अक्लिष्ट व्रत अक्लिष्ट व्रत है माने अक्लिष्ट वृत्तियों का अनुसरण करने वाले उसके चित्त में हमेशा अक्लिष्ट ही रहती थी, किसी को भी क्लेश नहीं देते था, खुद को भी क्लेश नहीं देता था अक्लिष्ट व्रत ऐसे ऐसे शब्द आपको लिख लेने चाहिए अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जना प्रतिपूजक और सत्पुरुषों का प्रतिपूजक सतपुरुषों का आदर करने वाला था और प्रतिपूजक का अर्थ ये भी हो जाएगा कि सज्जन लोग उसकी पूजा करते थे वो सज्जनों की पूजा करता था और सज्जन उसकी पूजा करते थे ऐसे लोग ऐसे जो धर्मात्मा हैं उनकी पूजा सज्जन ही कर सकते हैं असज्जन है उनको तो अच्छा ही नहीं लगेगा ऐसा व्यक्ति तो से महात्मा कुलीनायम युक्तायम सो महाबलन जनया चतुरह चतुरा सुतान। तो यह जो महात्मा था ये युक्तायाम सुमहाबलान अत्यंत महाबलशाली वैधर्भ्याम वैदर्भ की जो राजकुमारी थी विदर्भ की जो राजकुमारी थी उसके संयोग से उसके सहयोग से चतुर सदृशान सुतान जनया अपने ही जैसे उसने चार पुत्रों को जन्म दिया वही धर्भ्याम कुलीनायाम युक्तायाम ये विदर्भ की राजकुमारी वही दर्भी की विशेषण है ये वो कैसी थी कुलीन थी कुलीनायाम युक्तायाम और उसके साथ उसका संबंध स्थापित हुआ उसका विवाह हुआ उस महात्मा का और उस विदर्भ राजकुमारी से सुमहाबलान सदृशान चतुरह सुतान जनया मास अत्यंत बलशाली अपने ही जैसे चार पुत्रों को पैदा किया उनके नाम क्या थे कुशाब कुशनाभम चोर्तर रजस वसुम दीप्ति महोत्साहन क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानोवाच कुशपुत्र धर्मिष्ठा सत्यवादि प्रियता पालनं पुत्र धर्म प्राप्तुष्कल कुश कुशस्य च चत्वारो लोक चोकसत निवेश चक्रिरे सर्वे पुराण नृवरा कुंबस्त महातेज कौशांबी अकोत्री कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदय असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यम महामति चक्रे पुरवना गिरीव्रजा वसुमती नाम वसोस्त महात्म शैलवरापंच प्रकाशंते च और असुर तरजसम और वसुम ये चार उनके नाम है उसके पुत्रों के किसके पुत्र हैं ये कुश के दीप्ति युक्तान दीप्ति से युक्त हैं महोत्साहन अत्यंत उत्साही अत्यंत बलशाली क्षत्र धर्म चिकीर और क्षत्र धर्म के पालन की इच्छा वाले हैं उनको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तान, तान, पुत्रान कुशा तान सत्यवादी न पुत्रान कुश उवाच तो ये चार उनके पुत्र हैं और ऐसे धर्मात्मा सत्यवादी और ऐसे कुशल पुत्रों को राजा कुश ने कहा क्रियताम पालनम पुत्रा धर्मम प्राप्त पुष्कलम अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रो पुत्र क्रियताम प्रजा का पालन करो और धर्मम पालनम करियताम धर्म का पालन करो मेरे पुत्रो धर्म का पालन करो धर्म के ऊपर चलो और पुष्कलम प्राप्त और पूरा पूरा उससे लाभ पाओ धर्म पे चलो और धर्म से पूरा ऐश्वर्य को प्राप्त करो पुष्कलम प्राप्त से तो खूब पाओ ऐसे है पुष्कल मतलब अत्यंत बड़ी मात्रा में तो धर्म का पालन करना हमेशा और फिर भगवान आपको खूब देगा खूब प्राप्त करो और खूब धर्म का पालन करो कुशस्य वचनम चत्वारे लोक सत्तम निवेशम चक्रिरे सर्वे पुराणाम न्रिवराहा तदा नृवराहा न्रि मतलब मनुष्य वर मतलब श्रेष्ठ मनुष्यों में श्रेष्ठ वो जो चारों भाई थे उन्होंने तदा फिर अपने पिता की ये बात सुन करके कुशस्य से वचनम श्रुतवा अपने पिता कुश के वचनों को सुनकर के चतर लोकसत्तमहा चारों ही लोकसत्तम निवेशम चक्रीरे उन्होंने निवेश बनाई निवेश मतलब मकान रहने के लिए निवेशम चक्री रे पुराणाम और मकान क्या बनाए पुराणाम चक्री रे पूरे पूरे शहर ही बसाए उन्होंने मतलब शहर गांव। तो पुराणाम निवेशनम चक्री रे पुरो का निर्माण किया निवेश किया कुशाम वस्तु महातेजा कौशाबीम अकरोत पुरीम कुश नाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम तो जो का सबसे बड़ा पुत्र था महातेजा महान तेजस्वी कुशांत कौशांबिमीम अकरोत कोशांबी नाम के शहर को बसाया कोशांबी कहाँ है उत्तर प्रदेश में तो, तो कौशाम्बी को कु राजा ने बसाया था कुशांबस्तु महातेजा धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम और कुश्नाभ जो दूसरा है उन्होंने कुश नाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम महोदय नाम का महोबा भी उधर ही है क्या महोबा तो थोड़ा उधर है थोड़ा दूर है तो शायद वो ही महोबा बन गया होगा उस समय का जो महोदयम है तो इन्होंने जो दूसरे पुत्र हैं कुशनाभ इन्होंने महोदय नाम के पुर को शहर को बसाया तो बाकी के दो ने कौन कौन से बसाई कल पढ़ेंगे आजगे रामदेव ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः हरि की नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते हरी के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते किस से के करेंगे प्यारे विविध रूप धर आते किस सेवरे करेंगे प्यारे रूप धर आते स्वार्थ विना जो सबकी सेवा करते न विराजो सबकी सेवा करते नहीं अघाते पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को पाते हर दुख दुखी सुखी, सुखी पर सुख में, ओ जय हरि भाते हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किस से वरी करेंगे प्यारे विविध रूप घरे धर आते विविध रूप धरे आते विविध रूप धर